सिंगरौली के देवसर में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बने निर्माण को तोड़ दिया है। इस दौरान प्रशासन की इस कार्रवाई का लोगों ने विरोध जताया। देवसर अंतर्गत पुरैल, गन्नई व गजरहिया के गांव में सरकार की जमीन पर अवैध रूप से निर्माण करने की लगातार शिकायत आ रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए देवसर SDM विकास सिंह ने दर्जनों अवैध रूप से निर्मित घरों को ढहा दिया। बताया जा रहा है कि पुरैल के पूर्व सरपंच जीवेंद्र सिंह व एक सरकारी शिक्षक जगदीश वैस के द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से भवन निर्माण करा लिया गया था, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने प्रशासन से की थी। इस कार्रवाई के दौरान प्रशासन के साथ पुलिस बल बड़ी संख्या में मौजूद रहा। उधर अतिक्रमण के विरोध में प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर छुटपुट विरोध भी दर्ज हुआ। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।